Hello students, I welcome all of you in our science class. And as you know that we are studying chapter number 1, crop production and management. And today's topic which I am going to explain you is agricultural practices. First of all, you should know that what is the meaning of agricultural practices. It means the stepwise functions which takes place in the agricultural field to produce the food substances from the crop. And you know that that is a systematic manner. These agricultural practices are arranged in a sequence form, in proper sequence. First of all, it is required that we should prepare a field properly for the cultivation of plants. The first step we are taking here is preparation of soil. Dear students, what is the meaning of preparation? As you all are facing the examinations every year, and it is told you prepare yourself for the exams. What you do? जब एग्जाम्स होते हैं उसके पहले आप क्या तैयारी करते हैं? अच्छे से पूरा टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं. मींस यू आर अर्निंग द कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग आंसर्स. तो हियर इट इज ऑल्सो वी वॉन्ट द क्रॉप प्रोड्यूस. हमें भी क्रॉप के प्रोड्यूस चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. तो इसके लिए जो फर्टाइल लैंड है वो भी तो अच्छी होनी चाहिए. दैट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड. एंड देर आर टू और थ्री टेक्निक्स वी आर यूजिंग हियर. द फर्स्ट टेक्निक वी यूज इज कॉल्ड प्लॉइंग. सबसे पहले हम प्लॉइंग का प्रोसेस करते हैं. जो आपने सुना होगा हल चलाना, यानी किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर हम प्रॉपरली रोज बनाते हैं. And it is done by the implement that is known as iron plow. The another one is leveling. After the plowing, we are using the term leveling. जो agriculture field हमने plow किया है, अब उसको level करना भी जरूरी है. Why it is required to be level? We are using a wooden leveler for this. Level करना इसलिए जरूरी है, because when we put the When we put the seeds into the soil, it should be at the proper and equal distance and the depth. And the second thing, after the leveling, we are able to get the same length of the crops. After that, preparation of soil, we are required here, sowing of seeds. Before sowing the seeds, we should be aware about the seeds, that seeds are healthy or unhealthy. जो भी seeds हम soil के अंदर put कर रहे हैं वो किस quality के होने चाहिए? Healthy seeds होने चाहिए, so that we can get the healthy crops. और seeds कैसे healthy होते हैं? What are the characteristics of healthy seeds? Healthy seeds वो seeds होते हैं जिनमें 14% वाटर अवेलेबिलिटी होता है. इसके लिए छोटा सा हम एक्टिविटी भी कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है. वी आर टेकिंग अ ग्लास, फिल इट विद वाटर, उसको पानी से भर लें और जो सीड्स हम लेके आए हैं उनको हम उस वाटर के अंदर डालें. आफ्टर 10-15 मिनट्स वी विल फाइंड दैट सम सीड्स विच आर सेटल डाउन एट द बॉटम आर हेल्दी, सो दे आर सेटल डाउन. एंड दोज सीड्स विच आर नॉट healthy, they are very light in weight, so they floating over the water. आपने भी देखा होगा जब आपकी मदर कुकिंग के लिए राइस और वीट्स को यूज में लेती हैं तो राइस को सबसे पहले वाटर में धोती है, वॉश करती है, और जो वॉशिंग के दौरान जो ऊपर की तरफ रह जाता है उसको वो रिमूव आउट कर देती है. दे आर अनहेल्दी राइस. गॉट इट? सो द क्वालिटी ऑफ सीड्स आर ऑल्सो वन मोर थिंग. सीड्स शुड बी रिंकल्ड फ्री, उनके ऊपर रिंकल्स नहीं होने चाहिए, स्मूथ सीड्स होने चाहिए, उनका वेट अच्छा होना चाहिए. तो आफ्टर द सेलेक्शन ऑफ सीड्स
वी स्टार्ट सोइंग ऑफ सीड्स। इसके लिए भी हम कुछ इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। एक बहुत ट्रेडिशनल टाइप का है ब्लो पाइप मेथड। ये ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पहले कुछ रबर पाइप होते थे और उसके अंदर सीड्स डाल के इस तरह से माउथ से हम हवा उसके अंदर प्रेस करते थे और सीड्स जो थे वो सॉइल के अंदर चले जाते थे। बट नाउडेज वी आर हैविंग एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट देयर दैट इज नॉन एज सीड ड्रिल। अब जो यूज किया जाता है उसे सीड ड्रिल कहते हैं। लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ सीड ड्रिल। इट इज अ बाउल एट द टॉप एंड हैविंग सम पैसेजेस लाइक दिस। नाउ वी कैन सी, सपोज इसमें कुछ सीड्स को फिल किया गया, सीड्स आर देयर। एंड इट इज ऑल्सो हैविंग सम पेनिट्रेटेड पार्ट। सीड ड्रिल्स के अंदर जो बॉटम पार्ट है जो कि पाइप से लगा हुआ है उसमें एक पेनिट्रेटेड पार्ट भी होता है जो बहुत शार्प होता है। ये सबसे पहले सॉइल के अंदर स्पेस बनाता है और फिर यहाँ से एक एक सीड्स जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस सीड ड्रिल कि जो लेंथ है डेप्थ है किसी भी सीड्स का सॉइल के अंदर इक्वल रहता है। गॉट इट। तो दिस इज द अनदर टेक्निक। एक और सिंपल मेथड है जो मैंने आपको जूम क्लास में एक्सप्लेन किया था, दिस इज नॉन एज ब्रॉडकास्टिंग। इन दिस सिंपल मेथड वी आर हैविंग द सीड्स इनटू अ बैग एंड वी आर टेकिंग अ राउंड इन द एग्रीकल्चर फील्ड। लेट्स सी हाउ आई एम टेकिंग दिस सीड्स एंड स्कैटरिंग ओपनली विद फ्री हैंड्स। इन द केस ऑफ वीट वी आर डूइंग सच मेथड। सो दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। So children, that was the second step, sowing of seeds. Now, after that, one more step is mentioned there, that is known as replenishment of soil with nutrients. How we can maintain the level of nutrients in the soil? Because suppose a farmer is cutting the crops once, after that you will find the nutrients become less in the soil because they were utilized. जब एक बार फसल की कटाई हो जाती है तो soil के अंदर वो nutrients अब कम हो गए, तो it should be needed to enrich again. Such step is known as replenishment of soil. And for this purpose we are using the manuring purpose. Manuring method is very advanced method. By using this method, we are again replenish the nutrients in the soil. But one more method, which is known as fallowing method. Fallowing means uncultivated land. Manuring is the advanced process, but old ट्रेडिशनल मेथड इज फैलोइंग। फैलोइंग का मतलब है जब हम कभी किसी एग्रीकल्चर फील्ड को ऐसे ही खाली छोड़ दें, मीन्स एक बार हमने फसल को कट किया फिर लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया ओपन। इससे क्या होगा, उस पर प्रॉपर सनलाइट गिरेगा, एयर आएगा और जो भी उसमें वेस्ट सब्सटेंसेज रह गए हैं, जो क्रॉप हमने कट किया है उसके भी वेस्ट प्रोडक्ट्स रह गए हैं, दे विल ऑल्सो स्लोली स्लोली डिकम्पोज इन टू द ऑर्गेनिक मैटर्स By the help of माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों आपको मालूम होता है सॉइल के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज, वो उसको डीकम्पोज कर देते हैं। और दूसरा मेथड है मैन्योरिंग। इसके लिए हम टू और थ्री टाइप्स के मैन्योर्स यूज करते हैं। एक होता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या है, हम सबसे पहले कुछ प्लांट्स को ग्रो करते हैं। सर्वेना इज द वन मोर ग्रास टाइप प्लांट्स वी आर ग्रोइंग इन द फील्ड। After that, when they become mature, we are uprooting them and again put into the soil. And slowly, slowly they decompose and they become the fertile soil. That is the fallowing method. And the manuring method, जिसमें हमने green manure use किया, one more manure we are using that is known as farm yard manure. जिनके यहाँ पर farm houses होते हैं वो animal waste को collect करते हैं, जिसमें cow dung है, हॉर्स डंग है, उसको इकट्ठा करते हैं, पिट्स बनाते हैं, उसमें उनको डाल देते हैं और
हम किसी ऑर्गेनिक फूड्स को भी हम इसमें ले सकते हैं, वेस्ट फूड सब्सटेंसेस को भी उस पिट के अंदर डाल देते हैं. आफ्टर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस दे बिकम कंपोस्ट एंड सच टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज कंपोस्टिंग. तो चिल्ड्रंस आज हमने यही सीखा है, 3 steps, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मैंने आपको बताया, सोइंग ऑफ सीड्स बताया, और किस तरह से हमने रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स सीखा, मैन्योरिंग एंड फैलोइंग मेथड से. इन द नेक्स्ट टाइम आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वन मोर टेक्निक दैट इज फर्टिलाइजर्स. वी विल यूज दिस टेक्निक इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल. इन अवर नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू हाउ कैन वी कंपेयर द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. टिल देन बी सेफ एंड स्टे हैप्पी. Thank you.